हेलो दोस्तों, तो ये एक्टिवा 3G 4G 5G का डिग्गी अनलॉकिंग का अपडेट वर्जन है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो मैं ये गलत पर्पस से नहीं बना रहा। जिनकी चाबी खो जाती है या अंदर रह जाती है डिग्गी में, उनके लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चाबी अंदर डाल देता हूँ डिग्गी में, उसको मैं पूरा बताऊँगा। पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उससे अच्छी इसमें अच्छी तरह समझाया नहीं है। तो ये लॉक हो गई है डिग्गी। तो सबसे पहले ये सॉक है नीचे, इसके अंदर से हाथ डालना है ऊपर, एक खाली जगह है सॉकर के ऊपर, अंदर चला जाएगा हाथ पूरा अंदर लॉक पे। तो लॉक देखो खुल गया, तो यहाँ से देखो ये है, इस पर उंगली लानी है और पीछे करना है, इसे पुश करना है, अपने आप लॉक खुल जाएगा। तो मैं ये पूरा दिखाऊंगा अंदर से ये कैसा होता है, कहाँ से हाथ जाता है अंदर तक ऊपर तक। तो देखो मैं ये पूरा खोल लेता हूँ पहले, ये डिग्गी मैंने पहले ही खोल लगी है तीनों बोल्ट इसके। तो पहले मैं ये तार निकाल लेता हूँ डिग्गी का वायर, और ये बैक लाइट के वायरिंग निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ये वायर निकाल लेता हूँ मैं, देखो ये होता है मेन लॉक जो हमें पुश करके पीछे करना है, इससे डिग्गी खुलेगी। तो ये तार निकाल लेता हूँ, पीछे लाइट वायरिंग का तार है, लाइट होगी। तो ये भी खोल लिया मैंने, अब ये पूरी डिग्गी ऊपर पूरी निकल जाएगी, ये और कुछ नहीं बोलना है। पूरी डिग्गी अब जो निकाल ली मैंने, पीछे का बोनट पूरा। अब देखो ये मेन लॉक होता है जिससे डिग्गी खुलती है, ये मेन लॉक होता है। तो ये मैंने कैसे खोला था, देखो नीचे से मैंने यहाँ से सॉकर की तरफ से हाथ डाला था, हाथ गया जी ऊपर, यहाँ से अंदर गया ऊपर लॉक तक, बस यही काम करना है, डिग्गी खुल जाएगी, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है जी। तो देख सकते हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से हाथ ऊपर गया था, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।